अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही सरप्राइज़ व्लॉग है आप सबके लिए, क्योंकि मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अपने कपड़े सेट कर रही हूँ अलमारियों में, तो मैंने सोच ही लिया आखिरकार सारी सेटिंग करने के बाद मैंने सोच ही लिया कि ना के कपड़ों की सेटिंग जो है वो आप लोगों से शेयर की जाए कि किस तरह से मैं अपने कपड़े जो हैं वो सेट कर रही हूँ अलमारियों में। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो है मैं ये ट्राउज़र सारे एक साइड पे रख रही हूँ, जो लाइट कलर के हैं और जो डार्क कलर के हैं वो एक साइड पे रख रही हूँ। यहाँ पर मैं सारे दुपट्टे भी साथ साथ सेट कर रही हूँ। लाइट कलर के दुपट्टे जो हैं वो एक साइड पर, वाइट और जो बिल्कुल लाइट कलर के हैं, डार्क कलर की दूसरी साइड पर। यहाँ पर ये देखें, डार्क जो है वो रह चुके थे, बाकी वाइट मैं फोल्ड कर चुकी, तो मुझे ख्याल आया कि वीडियो ही बना लेते हैं साथ। तो बस यहाँ पे इस साइड पे मैं अब डार्क सारे दुपट्टे रखूँगी, रख के सारे आपको जो है वो फिर मैं दिखाऊँगी जी। तो ये मेरे रेगुलर जो है लॉन के सूट पहनने वाले, जो मतलब डेली कुछ मैंने आयरन करके रख ली है, अगर जब वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद ये मैं हमेशा जो है ना वो हाफ़ कपड़े प्रेस करके रखती हूँ और हाफ़ फोल्ड करके रख देती हूँ। जो प्रेस किए होते हैं वो पहन लेती हूँ पहले, और उसके बाद ये जो फोल्ड हुए मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ, जो प्रेस हुए मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। इस तरह से आप सारे कपड़े जो है ना वो पहन सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रेस करके हैंग किए हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये सारे वो देखें, ईद वाला सूट भी मैंने प्रेस करके रख दिया है, नए नए सूट सारे जी। तो चले आए, जो बाकी रह गए उनको जल्दी से जो है वो फोल्ड करते हैं और अलमारी में सेट करते हैं। कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दिए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाने वाली हूँ। मेरी वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप लोगों को भी वो उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स पे भी बताना है, और वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ स्किप मत किया करें, और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, टाइम निकालना पड़ता है स्पेशल आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी टाइम निकाल के स्पेशल वीडियो देखा करें। ये दुपट्टे वगैरह सारे मैंने एक साइड पर रख दिए हैं, वाइट वाले और जो डार्क कलर है वो एक साइड पर। तो चले आए, सबसे पहले जो मेरी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो देखते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। ये है वो सेट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, अभी मैंने इसको ओपन करना है, तो आइए मिलके इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये कैसी प्लेट्स निकलती हैं। 18 पीसेस का ये सेट है। सीज़र इस टाइम मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा इसी से काम चला दिया जाए। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेट वगैरह करनी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो सेटिंग होगी। प्रिंट चेक करें आप प्लेट्स का, किस कदर हसीन है, खूबसूरत। मैंने काफ़ी देर से इस किस्म के जो है ना वो प्लेट्स के या लेजर सेट के इंतज़ार में थी। ये जी सबसे छोटी जो प्लेट्स होती हैं ये वो हैं, 6 ये हैं। जी तो यहाँ पे ये राइस प्लेट्स भी हैं, फ्लैट वाले जो होती हैं, वो भी आपको आगे नज़र आएंगी, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये सेट कैसा लगा है। अब मैं इनको वॉश करूँगी पहले, फिर ड्राई करूँगी, और जहाँ इनकी जगह है उधर इनको अच्छा सा सेट करके रख दूँगी। आप देखते हैं जी इनको मैं कहाँ पे सेट करती हूँ, इस कैबिनेट में भी नहीं आ सकते ये। तो चलें दूसरे कैबिनेट को खोल के चेक करते हैं कि वहाँ ये सेट हो जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं बाकी की प्लेट्स भी निकाल लूँ। अब मैं इनको कैबिनेट में सेट करने लगी हूँ जी। तो यहाँ पे ये कुछ प्लेट्स मैंने रख दी हैं और बाकी की उठा के रखने लगी हूँ। एक हाथ से जो मोबाइल पकड़ा हुआ है और इस वजह से कैमरा थोड़ा सा जो है ना मूव हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बाकी की प्लेट्स उठा के रखना। हैवी भी काफ़ी लग रही थी, एक हाथ से उठाना आसान नहीं लग रहा था मुझे जी। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर भी किया करें जी। तो ये मेरा सेट यहाँ पे सेट हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।